यहाँ जी की क्लास ओवर हो जाती है। वह जियाशु का वेट करती है। वेट करते करते वो ड्राइंग बनाती है और जियाशु पे गुस्सा करके कहती है, रहने दो, अब मैं वेट नहीं कर रही। वो सामान पैक करके बाहर निकल कर जियाशु की बुराई करते हुए जाती है। तभी उसका पैर मुड़ता है, वो गिर जाती है। सामने उसे जियाशु दिखाई देता है। जियाशु उसका ख्याल रखकर पूछता है, कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? जी मुंह बनाकर कहती है, कौन इतना लेट आता है? जियाशु कहता है, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, अगली बार मैं तुम्हारी जगह टैप खा लूंगा। जी कहती है, रहने दो। प्रेजेंट में यहाँ जी जियाशु का दोबारा वेट करती है। वो जियाशु को कॉल भी कहती है, तुम लेट हो, इस तरह से तुम कभी गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाओगे। तभी जियाशु उसकी गाल पे मिल्क बोतल रख के कहता है, मैं कब का यहाँ आ गया? बस तुम्हारे लिए दूध लेने चला गया था। तुम इतना मुझे कोस कैसे सकती हो? अगर मैं गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाया तो तुम नहीं बचोगी। चलो वहाँ उस शॉप पे। वो उसे वहाँ ले जाता है और उसे ऐसे बुक देकर ऐसे लिखने को कहता है। जी बुक खोलती है और अपनी ड्राइंग देखकर मन में कहती है, अच्छा हुआ उसने देखा नहीं। जी होमवर्क करती है। जियाशु ब्रेकफास्ट लेने चला जाता है। तभी फ्लैशबैक में छोटी जी कहती है, अगर टीचर कंप्लेंट करे तो तुम बस एग्री कर देना, कुछ मत कहना। अगर हम पकड़े गए तो हम गए। जियाशु कहता है, तुम मुझे डरा रही हो? जी कहती है, बस बोल रहना। जियाशु फाइनली टीचर से जी का ब्रदर सांग्यार बनकर मिलता है। टीचर कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए? जियाशु कहता है, उन्हें काम आ गया था इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। दोनों सांग जी की बात ही करते हैं। टीचर कहता है, मुझे उसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो टॉपर है, बस उसे सही एटीट्यूड की जरूरत है। जियाशु जी से पूछता है, तुम्हारा भाई इतना लंबा और तुम इतनी छोटी? जी कहती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? जियाशु कहता है, तुम्हारा टीचर इतना लेक्चर देता है। जी कहती है, हमेशा से सेम ही है। टीचर शिकायतों की पुल बांधता है। जियाशु जी की शिकायत सुनकर मनी मन बहुत खुश होता है। टीचर कहता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तब ये ड्राइंग करती है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बीच में पूछता हूँ ताकि ये स्टडी पे फोकस करे, बट ये बिल्कुल ठीक जवाब दे देती है, यही इसकी प्रॉब्लम है। जियाशु जी को बुलाकर उस पे गुस्सा करता है। टीचर कहता है, लास्ट टाइम तुम्हारी मदर भी आई थी, मैंने उनका भी इसकी वजह से टाइम वेस्ट किया, बट इसमें कुछ नहीं बदला। बाद में तुम जाकर अपनी मदर को सारी बात बताना, ये स्मार्ट है, रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग है। जियाशु टीचर पे मक्खन लगाकर उसकी तारीफों के पुल बांधता है और जी को मारने की बात करता है। टीचर मना कर देता है। दोनों में सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशन होती है। लास्ट पे जियाशु जी को टीचर से सॉरी बोलने को कहता है। जी सॉरी बोलती है। दोनों का ड्रामा सक्सेसफुल हो जाता है। प्रेजेंट में जियाशु अपना ब्रेकफास्ट लाता है और जी को केक देकर कहता है, तुम होमवर्क करके इसे खा लेना। जियाशु बुक पढ़ता है। जी उसे देखती है। जियाशु उसे पढ़ने को कहता है और देखता है कि जी दूध पी नहीं रही। वो मिल्क बॉटल जैसे ही लेता है, जी बॉटल को अपने बैग में छुपा के रखती है। जियाशु कहता है, लग तो ऐसे रहा है कि मैं तुम्हारा खाना छीन रहा हूँ। वो जी से पूछता है, तुम नाराज हो क्या? जी होमवर्क करती है। जियाशु ब्रेकफास्ट करता है। जी पूछते, ब्रदर आप कहाँ से हैं? जियाशु कहता है, मैं यही से हूँ। जी दोबारा पूछती है, आप समर हॉलीडे में अपने होम टाउन जाओगे? जियाशु मना करके कहता है, तुम चिंता मत करो, बस अपना होमवर्क करो। जी खुशी खुशी से होमवर्क करती है। जी जैसे ही अपने स्कूल जाती है, जियाशु जी के बैग में ऐसे रख के कहता है, मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा इसलिए मैंने ये नया लिख दिया। जी कहती है, मैंने वो मजाक में लिखा था। फ्लैशबैक में जियाशु जी का ऐसे पढ़ता है जिसमें वो सड़क के कुत्ते को अपने भाई का बेटा बताती है। जियाशु उसे पढ़कर बहुत हंसता है और जियाशु वहाँ से चला जाता है। जी ऐसे खुलकर देखती है जो जियाशु ने उसके लिए लिखा होता है। तभी पीछे से जैनरू उसे छेड़ के पूछती है, क्या कर रही हो तुम? जी कहती है, कल का होमवर्क है। तभी फू यांगचू डांस करके कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। जी कहती है, तुम हर रोज ऐसे डांस करती हो, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती क्या? चेंचू कहता है, मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ ज्वाइन किया ताकि मैं हर रोज तुम्हें मिल सकूं। बताओ मैंने अच्छा डांस किया ना? जी कुछ नहीं कहती। जियाशु अपने दोस्तों पे गुस्सा करता है। जैसे ही जी जाती है, जियाशु उसे रोककर कहता है, मेरी बर्थडे पार्टी है, पर जी बिना सुने चली जाती है। जियाशु कहती है, मैं उसे ले आऊंगी। जियाशु भी एग्री करता है। जी सीट पे बैठकर मिल्क टेबल पे रखती है। तभी जियाशु उससे जियाशु की बात करती है। तभी वो मिल्क बोतल देख के कहती है, तुम्हें तो दूध से एलर्जी है, तुम पी क्यों रही हो? जी मना करती है। तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है। जी यहाँ खुश होती है। जी जैसे ही घर लौटती है, वो दूध को फ्रिज में रखने का सोचती है, बट वो वापस अपने बैग में रखकर अपने रूम में जाकर वो बोतल निकालकर सोच में पड़ जाती है। तभी वो ऐसे पढ़ती है जो जियाशु ने उसके लिए लिखा होता है।
उसमें वो सब लिखा होता है जो आज हुआ। जी परकी कहती है, इतने छोटे बच्चे लिखते हैं। उसमें ज्याशु, यान, फॉक्स डॉल की सारी बातें लिखी होती है। वो लेटर पढ़कर खुश होती है और अपने पर्स में रखती है। बाद में वो ज्याशु का नंबर सेव करके उसे मैसेज करती है, मैं जी हूँ। ज्याशु का हेलो मैसेज आता है जी उसे देखकर। मनी मन बहुत उछलती है। वो फॉक्स लेकर ड्राइंग बनाती है, तभी मदर उसके लिए ग्रेप्स लाती है और दूध देखकर कहती है, तुम इसे नहीं पी सकती। जी कहती है, मैं नहीं पी रही। मदर ले जाने की जिद करती है, पर जी भी मिल्क बॉटल नहीं देती। वो बाथरूम में बॉटल ले जाती है। तभी जी का फादर आता है। मदर बॉटल वाली बात फादर को बताती है और जी से कहती है, हम इस वीकेंड अपने फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं, तुम चलोगी क्या। जी मना करती है। तभी फादर कहता है, मैं यान को तुम्हारे साथ रुकने को कह दूंगा। जी फिर भी मना करती है। मदर कहती है, हमें तुम्हारी चिंता होगी। फादर कहता है, मैंने तुम्हें क्या याद रखने को कहा। फाइनली जी मान जाती है। फादर कहता है, मैं यान को समझाऊंगा कि वो तुम्हें बुली ना करे। जी कहती है, वो नहीं मानेगा। मदर कहती है, मैं सब देख लूंगी। पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। जी ज्याशु के फ्लैशबैक देखकर ड्राइंग बनाती है। जी ड्राइंग में लिखती है, 17 सितंबर थर्सडे, उसने मुझे बोला कि वो दोबारा मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ।